गुड मॉर्निंग एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग हाय एवरीवन हाय दिनदयाल अवनीत निकिता शशिकांत अभिलाषा राजकुमार विशाल रितेश शशिकांत एंड एवरीवन लावा चलिए सभी लोग वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस आई होप कि आप में से कई लोगों के पेपर रहे होंगे सभी का किसी का महाराष्ट्र का पेपर था किसी का कुछ और पेपर था गुजरात में पेपर था तो सभी लोगों के पेपर आप लोगों के ठीक हो गए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक ठाक पेपर देकर के लिए आप लोग छोटी सी जानकारी है मेरे बारे में इसको जानकारी को अपने पास रख लीजिए इट्स इंट्रोडक्शन अबाउट मी एंड ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा जितने भी लोग हैं फिर कॉन्टेक्ट के लिए क्लास इन्फॉर्मेशन के लिए इन तमाम चीजों के लिए राइट और अभी सत्ताईस जून पेपर है इसको ध्यान में रखना है तो लास्ट डेट है। छह बजे शाम तक फॉर्म को फिल करने का टोटल रेन वेर इट फॉल्स वेन इट फॉल्स नेशनल वाटर मिशन चलिए पहला प्रोग्राम है, जो हमें अभी, अभी रखना है, वो है ये हमें अभी ध्यान में रखना है दरअसल क्या है अभी आपने देखा है दो तीन चीजें जिस तरीके जो सभी किए जा रहे हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या है ऑब्जेक्टिव क्या है ये मैं आपको बता दूं दरअसल पूरी दुनिया में वाटर की क्राइसिस हो रही है वाटर क्राइसिस यानी कि जल संकट हो रहा है तो दो, दो चीजें जैसे जल संकट अगर हो रहा है तो दो चीजें करनी होंगी पहला काम तो यही करना होगा वाटर का कंजर्वेशन करना होगा और कंजर्वेशन से पहले यह जरूरी होगा कि लोगों को जागरूक करना होगा जागरूकता इसलिए जरूरी है ताकि जो वाटर है उसका मिस ना हो सके तो अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट और दूसरा वाटर कंजर्वेशन हो सके ताकि आपके पास क्राइसिस को मीट आउट किया जा सके ये दो स्ट्रेटेजी होती है इसी उद्देश्य से कि जो वाटर क्राइसिस है वर्ल्ड वाटर डे है आज ट्वेंटी सेकेंड ऑफ मार्च है आज वाटर डे है तो इसी अवसर पे कैच द रेन एक प्रोग्राम अभी लॉन्च किया जाएगा आज लॉन्च किया जाएगा सरकार के द्वारा ठीक है नेशनल वाटर मिशन के अंतर्गत वेर इट फॉल्स वेन इट फॉल्स नेशनल वाटर मिशन ये इस बार का जो नेशनल वाटर मिशन है ये आप देख पा रहे हैं वेर इट फॉल्स वेन इट फॉल्स ठीक है falls, तो इसके बारे में हमें चर्चा करनी होगी ठीक है सो चलिए आ जाइए इसके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं राइट सर कैच द ट्रे अब आइए देख रहे हैं इसमें थोड़ी थोड़ी बातों को मैं अभी बताना शुरू करूँ कि पेन और पेपर लेकर बैठिएगा आप लोग के पास अब वो जाएगा नहीं पीडीएफ नहीं जाएगा क्योंकि आप लोग होते नहीं है इसलिए पीडीएफ जाएगा आप लोग जो लोग यहाँ है बस उन्हीं के लिए फायदेमंद की चीजें सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया नरेंद्र मोदी विल वर्चुअली लॉन्च जल शक्ति अभियान ये जल शक्ति अभियान उन्होंने लॉन्च किया है uh, इसका नाम है कैच द रेन कैंपेन ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वाटर डे आज ट्वेंटी सेकेंड है कैच द रेन कैंपेन ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वाटर डे तो ये जो वर्ल्ड वाटर डे है दैट इज ट्वेंटी ऑफ मार्च जो कि आज है जिसके बारे में बात कर रहा था ये वर्ल्ड

सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है वो सिक्स ये जो है ये आपको ध्यान में रखना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल सिक्स है हमारे पास ये एसडीजी डी सिक्स ये जो है आपका 2030 तक 2030 इसमें से एक गोल है आपका एसडीजी डी सिक्स ये सीधा एग्जामिनेशन में पूछ लेता है ये जो एस डी है इसका जो जुड़ाव है वो किस वाटर सैनिटेशन एंड फॉर वाटर एंड सैनिटेजन फॉर ऑल बाई 2030 मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं ये सो वर्ल्ड वाटर डे का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हमें क्या करना है कि हर किसी तक फॉर ऑल यानी कि वाटर की क्राइसिस पूरी दुनिया में हो रखी है तो जितने भी लोग हैं जिन्हें वाटर फील हो रही है डेफिसिट हो रहा है जिन तक वाटर नहीं पहुंच पा रहा है तो उन सभी के लिए वाटर एंड सस्टेनेबल हम इसका यूज होना है कब तक 2030 तक अचीव करना दैट इज कॉल्ड एसडीजी 6 तो so इस गोल को भी अचीव करना इसका एक ऑब्जेक्टिव है ठीक है वर्ल्ड वाटर डे तो ये आप सीधा सीधा सवाल एग्जामिनेशन में पूछ ले जाता है

इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वैल्यूइंग वाटर वाटर को वैल्यू करना वैल्यू ऑफ वाटर इज अबाउट मच मोर देन इट्स प्राइसेस ठीक है ना देन इट्स प्राइसेस आज की तारीख में अगर हम लोग बात करें तो जो जल का मूल्य है इसके कहीं कहीं ज्यादा इसकी कीमत से अधिक है इट्स मच मोर देन प्राइस वाटर हैज एनॉर्मस एंड कॉम्प्लेक्स वैल्यू फॉर आवर हाउस होल्ड्स अब जानते हैं जल के बिना हमारा कोई भी काम नहीं हो सकता जल हाउस होल्ड्स के लिए फूड के लिए कल्चर के लिए हेल्थ के लिए एजुकेशन इकॉनमी एंड इंटीग्रिटी ऑफ आवर नेचुरल एनवायरनमेंट हर किसी के लिए जल इज इंपॉर्टेंट

बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश टू इंप्लीमेंट द केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट अभी आपने देखा होगा कि भगवान की दया से अभी तक हमारे यहाँ क्या है कि नदियां बहुत ज्यादा हमारे देश के अंतर्गत कुछ आप नदियों के बारे में जानते हैं कुछ हिमालयन रिवर सिस्टम है जो की पेरिनियल है सदाबहार है पानी, पानी हमेशा आती रहती है कुछ आप देखेंगे है, में सीजनल थोड़ी पानी होती है इसी तरीके से आप देखेंगे क्या केन और बेटवा दो इंपॉर्टेंट नदियां हैं दो इंपॉर्टेंट नदी है अब ये जो केन वितवा जो रिवर का जो हिंटरलैंड है इसमें देखें मतलब जो उसका जो कैचमेंट एरिया है वहां तो थोड़ा सा पानी मिल जा रहा है लेकिन इसके आसपास जो और भी दो दुरुस्त इलाके हैं वहां पर पानी की क्राइसिस हो गई है तो पानी की क्राइसिस को दूर करने के लिए एक प्रोजेक्ट बहुत साल पहले अभी दस को हो गए इसको मूट आउट मूट आउट किया गया वो ये था कि हम अपने यहाँ की जो नदियां है उसको लिंक करने का काम शुरू करेंगे लिंक करेंगे इंटरलिंकिंग यानी कि रिवर का इसका उद्देश्य ये है कि मान लेते हैं कि दो नदियों को अगर हमने लिंक कर लिया तो एक नदी में अगर मान लें पानी का प्रवाह बहुत ज्यादा कम है और दूसरे में पानी का प्रवाह बिल्कुल कम है ठीक है ना अगर हम बात करें दूसरे में पानी का जो है प्रवाह है वो कम है ठीक है हम ये मान लेते हैं कि दोनों में पानी का जो प्रवाह है वो कम है लेकिन ये दोनों नदियां मिलती नहीं है ठीक है इसमें बहुत ज्यादा पानी है और इसमें कम पानी है तो बेहतर ये होगा कि इन दोनों नदियों को हम लोग क्या करें लिंक कर दे ठीक है ना इसको लिंक कर देते हैं लिंक करेंगे तो जो वाटर सरप्लस है यानी कि जो सरप्लस वाटर है वो क्या हो जाएगा जो डेफिसिट वाटर वाला है स्ट्रीम इसमें आ जाएगा ठीक है और इससे क्या होगा कि लार्जर लार्जर कैचमेंट एरिया एरिया को को या को हम क्या करेंगा? पानी सप्लाई कर पाएंगे तो इस अवसर पर यह कहा गया है कि इस अवसर पर यह कहा गया है कि इन द प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ जो चीफ प्राइम मिनिस्टर है साइनिंग ऑफ हिस्टोरिकल मेमोरेंडम एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया जाएगा सो मेमोरेंडम फॉर सो मेमोरेंडम फॉर एग्रीमेंट साइन किया जाएगा बिचमीन जलशक्ति मिनिस्टर ठीक है जल शक्ति मिनिस्टर के साथ और चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश के साथ में साथ किया जाएगा ताकि इंप्लीमेंट किया जाए केन बेतवा रिवर लिंक जो है उसको किया जाए केन बिथवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट को किया जा सके राइट right? अब सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट का क्या है दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान रिवर्स ये पहला प्लान जिसमें हमने जो है नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य किया है दिस प्रोजेक्ट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ वाटर रिवर थ्रू दक्षलिंग दू रिवर्स के ऊपर एक दौधन डैम बनाया जाएगा जिसके माध्यम से पानी को रोक करके दूसरे में ट्रांसफर किया जाएगा लिंकिंग द टू रिवर्स और एक यहां पर जो है कैनल बनाया जाएगा जो हमने बात करा तो इधर आप देखेंगे यहां जो मैंने बनाया था यह यहीं पर में क्या हुआ एक यहां पर क्या डैम डैम बनाया जाएगा और यही जो है आपके पास जो कैनल होंगे यहाँ का पर देख लिया आपने, इन दोनों के माध्यम से ऑब्जेक्टिव so, जिसको अभी साइन भी कर दिया गया इट विल प्रोवाइड एनुअल इरीगेशन ऑफ टेन पॉइंट जीरो पीपल एंड जनरेट वन जीरो थ्री मेगावॉट हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिस अब ये देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक योजना है जिसमें आपने क्या किया है कि नदियों को जोड़ने का प्रयास किया है तो इससे होगा क्या तो आपसे सीधे का सीधे जोग्राफी में इकोनॉमी में सवाल बन सकता है सीधा क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए सीधा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इंटरलिंकिंग ऑफ वाटर इंटर लिंकिंग River, जो प्रोजेक्ट है रिवर प्रोजेक्ट है अब इसके बारे में दो तीन चीजें पूछी जा सकती हैं इसको ध्यान में रख लीजिए इसको तैयार करके रख लीजिए ठीक है ना एक तो इंटरलिंकिंग जो रिवर प्रोजेक्ट है इसका दूसरा पहला पूछेगा एनवायरमेंटल आस्पेक्ट एनवायरमेंटल आस्पेक्ट ये आपको याद रखना है एक तो पहला सवाल ये होगा ठीक है इन्वायरमेंटल इंपैक्ट देखेगा इन्वायरमेंटल इंपैक्ट दूसरा आपका क्या पूछेगा इसकी फिजिबिलिटी पूछी जाएगी फिजिबिलिटी ठीक है दूसरा फिजिबिलिटी और तीसरा इसका महत्व पूछा जाएगा इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस में ही आपको क्या करना होगा इसके महत्व के साथ आपको लाभ भी एड करना पड़ेगा लाभ बेनिफिट जब इस लाभ या इंप्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंस को जब आप डील कर रहे होंगे तो आपके पास ये बताना पड़ेगा कि अभी तक क्या है कि जो वाटर है जो वाटर का सप्लाई किया जा रहा है इस वाटर की सप्लाई से जो अभी कई जगहों पर वाटर डेफिसिट है तो आप इस प्रोजेक्ट को यहां पर हाईलाइट कर सकते हैं कि एनुअल इरिगेशन कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी

तो जब भी आप इस बात को लिखेंगे जब इंपैक्ट लिखेंगे तो मैं कहूंगा कि इस डेटा को याद कर लिए हर डेटा याद करना जरूरी नहीं है लेकिन ये डेटा याद करके रखिए क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ है कि 10.62 लाख हेक्टेयर पर में क्या होगा आप एग्रीकल्चर फैसिलिटी हो पाएगा बासठ लाख जो है लोग हैं उनके पास वाटर ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हो पाएगी और जो है एक मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से हम लोग क्या करेंगे हाइड्रोजन ये जो है हाइड्रो जो था आपका पावर है वाटर है उसको हम लोग जनरेट कर पाएंगे तो ये इंपैक्ट है तो ये आपको रट जाना ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मेंस के लिए जब भी आप इसके महत्व के बारे में आप लिखना शुरू करेंगे तो आपके लिए बेहद जरूरी होगा और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा इसके अलावा हम बात करें द प्रोजेक्ट विल बी ऑफ इमेंस बेनिफिट टू द वॉटर स्टार्ड रीजन ऑफ बुंदेलखंड अब आप यहां देखिए जब आप ये बताएंगे कि यहाँ पे एक जो है एग्रीकल्चर और इनकिंग वाटर वाटर सप्लाई होगी तो इस प्रोजेक्ट का जो प्रभाव है जो बेनिफिट होगा ये जो वाटर डेफिसिट जो रीजन है वाटर स्टार्ड रीजन ऑफ बुंदेलखंड बुंदेलखंड में पानी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा स्पेशली टू द डिस्ट्रिक्ट पन्ना टीकमगढ़ छतरपुर सागर दामोह दतिया ये सारे स्टेट इसके अलावा कुछ जो है जो जिले हैं वो उत्तर प्रदेश के भी आप क्या करेंगे आपने देखा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दोनों ही के कुछ जिलों को क्या होगा जो वाटर स्टार्फ रीजन यानी कि वाटर स्टार्फ रीजन का मतलब पानी है ही नहीं वहां पर में उनको बेनिफिट मिल पाएगा तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा जो आपको कोट करना पड़ेगा ठीक है

तो आप इसको बिल्कुल इस तरीके के इंटरलिंग लिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट को लेकर के एनवायरमेंटल इंपैक्ट और फिजिबिलिटी इन दोनों को कर लीजिएगा और इंपैक्ट में और भी पॉइंट्स को ऐड कर चार पांच पॉइंट्स आपके पास हैं विद केस स्टडीज इसके अलावा भी आपके पास पॉइंट होना चाहिए ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है मेंस के लिए ठीक है चलिए आगे आगे हम लोग बात करते हैं जल शक्ति अभियान के बारे में हम लोग बात करें जल शक्ति अभियान क्या है द कैच द रेन कैंपेन विल बी अंडरटेकन अक्रॉस द कंट्री इन बोथ एंड अर्बन एरियाज अब ये जो कार्यक्रम है ना ये जो कैच द रेन कैंपेन जो शुरू किया जाएगा आज ठीक है ना ये दोनों ही क्षेत्रों में किया जाएगा ग्रामीण भारत में भी और शहरी भारत नगरीय भारत the मतलब बड़ा सवाल है वाटर कंजर्वेशन का है वाटर हार्वेस्टिंग का है? ये क्या है आपने देखा क्या होगा कि अभी भी हमारे यहाँ कई जगहों पे होता यह है कि रेन वाटर आया हमने रेन वाटर किया पानी आया पानी का हम लोगों ने क्या कर लिया पानी जब बारिश हुई बारिश हुई तो हमारे यहाँ मैक्सिमम जो पानी होता है वो, वो बह के निकल जाता है ठीक है ना आपने देखा होगा कि अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं यहाँ पर मैं तो जो है थोड़ा सा समझते चलिए जो नए बच्चे होंगे उनके लिहाज से मैं बताना मैं चाह रहा हूँ कि आपने देखा क्या होगा कि हमारे यहाँ बारिश का मौसम आया मेरे पास समझ पा रहे हैं बारिश हो रही है बारिश हुआ ठीक है बारिश हुई रेनफॉल हुआ अब हमारे यहाँ कोई भी घर है कुछ भी है ऐसे है बारिश हुई ठीक है ना पानी जो है ये बह करके निकलता चला जाता है बह करके निकलता चला जाएगा पानी हमारे पास रुकेगा ही नहीं ठीक है ना सो so, पानी हमारे पास कहीं भी बारिश भी, हुई रेन हुआ क्लाउड हुई ठीक है ना और पानी का जो है सो so हम देखेंगे क्या so हमारे यहाँ क्या हो गया इसका वेस्ट हो गया यानी कि जो वाटर है ये वेस्ट हो जा रहा है ठीक है अब देखिए यहां पर क्या कहा गया कैच द रेन कैच द रेन वेर इट फॉल्स जहां यह गिरता है वेर इट फॉल्स यानी कि जब कभी भी बारिश जब हो रही है तो आपको क्या करना है पानी को स्टोर करना है यानी कि कंजर्व करना है यानी कि स्टोरेज पे आपको ध्यान देना है नाउ दैट इज कॉल्ड वाटर कंजर्वेशन और ये जो वाटर कंजर्वेशन होगा जिस समय आपके पास पानी की कमी होगी उस समय पानी की आप सप्लाई को कर पाएंगे सो दिस इज द द वन ऑफ ऑब्जेक्टिव जो किसका थीम है कि कैच इट इट फॉल्स फॉल्स जब भी ये कमी पानी गिरती है जब बारिश होता है तो आपको क्या करना होगा इसको इसको स्टोर करना पड़ेगा और इट विल बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम टुमारो टुमारो थर्टी नवंबर द प्री मॉनसून एंड द मॉनसून पीरियड इन द कंट्री ठीक है ना ठीक है कल से इसको शुरू किया जाएगा और कब तक किया जाएगा तीस नवंबर तक किया जाएगा टुमारो यानी कि कल से शुरू करेंगे तेईस तारीख से और तीस नवंबर तक प्री मानसून एंड मानसून पीरियड में पूरे के पूरे के के कंट्री को हम लोग क्या करना है हमें वाटर को स्टोर करना है वैसे मैं उम्मीद नहीं करता कि स्टेट पीस ये स्टेट पीसेस इस तरीके का सवाल पूछेगा लेकिन हो सकता है कि कुछ स्टेट पीसेस हैं जहां पर ऐसे प्रश्न पूछे जा है सकते हैं कि अभी जो कैम जो कैश द रेन वेयर इट फॉल्स वेर इट फॉल्स का जो कैंपेन शुरू किया गया है इसमें पानी कब से कब तक इकट्ठा करने के की बात की गई तो यानी कि कल से यानी कि तेईस तारीख से तेईस मार्च से लेकर तीस नवंबर तक पानी को अभी इकट्ठा करने के की बात की गई है और ये पानी क्या है प्री मॉनसून और मॉनसून पीरियड में पानी को वापस क्या है? करना है आपको स्टोर करना है जन आंदोलन टू तो मेक टू मेक टू टेक वाटर कंजर्वेशन एट ग्रास रूट लेवल थ्रू पीपल्स पार्टिसिपेशन और ये जो होगा ना जन आंदोलन होगा जन आंदोलन का मतलब पीपल्स मूवमेंट के अंतर्गत इसका मतलब क्या है कि इस प्रोग्राम का एक फोकस ये भी है कि इसके साथ पीपल को भी एड करना है अटैच करना है जोड़ना है टू टेक वाटर कंजर्वेशन एट द ग्रास रूट लेवल थ्रू पीपल्स पार्टिसिपेशन ताकि इसमें जनता का अधिकतम सहयोग हो सके ये आपको करना है ठीक है सभी लोग समझ पा रहे हैं तो अब देखिए इतनी सारी बातें यहाँ पर आपको देखने को मिल गई है कि कभी भी इस प्रोग्राम के बारे में आपको लिखने के लिए आए तो आप देखेंगे पीपल्स पार्टिसिपेशन भी है ग्रास रूट लेवल के ऊपर भी आपको करना है पीपल्स पार्टिसिपेशन करना है दूसरा है कि ये गाँव में और शहर में दोनों ही जगहों पर हो रहा है सो दिस ऑफ प्रोग्राम जिसको पॉइंट्स को निकाल करके आप क्या कर सकते हैं अपने में लिख सकते हैं लॉट्स ऑफ थिंग तो इन सारी चीजों के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए ऐसा नहीं है कि आपके सामने ये सारी चीजें नहीं आएंगे लेकिन फोकस करवाना आना चाहिए फोकस करना आना चाहिए क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कि आई एम नॉट ओनली गिविंग ऑफ द रादर आर्ट ऑफ मेकिंग हानि जस्ट माइंड इट बी सीरियस ऑफ दीज वर्ड्स ठीक है ना ये कह रहा हूं कि आपके पास ये कला आनी चाहिए कि इन पॉइंट्स के माध्यम से आप क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव जल शक्ति अभियान नेक्स्ट आइए अब ये जीएस पेपर टू में आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है जीएस पेपर टू में सीधा प्रश्न इससे जुड़ा हुआ आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है क्या है हाउ डज द जल शक्ति अभियान इंक्रीज अवेयरनेस ठीक है ना इंक्रीज अवेयरनेस माफ कीजिएगा सो इंक्रीज अवेयरनेस कर सकती है वॉटर एमंग द मासेस ट टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ठीक है ना तो अभी आपने देखा है कि जल शक्ति अभियान के बारे में एक दो चीजें हैं ये ऐसे कि कैसे हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं अवेयरनेस को कैसे इंक्रीज करेंगे इसके लिए बल्कि एक एस्पेक्ट और भी आप जोड़ लीजिए हाउ दिस प्रोग्राम कैन कंजर्व वाटर ठीक है ना और किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं अचीव कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दैट इज कॉल्ड एस डी जी सिक्स जो है ये अचीव हम लोग कैसे कर पाएंगे तो ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए अगर इतनी जानकारी आप लेकर के चल रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक बेहतर आंसर कर पाएंगे नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट खादी मुजीब जैकेट खादी समझ पा रहे हैं खादी और ये मुजीब जैकेट ये दो शब्द हैं दो चीजें हैं ये दो चीजें हैं एक इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरा बांग्लादेश को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है ना यानी कि हमारे रिलेशन को इंडिया एंड बांग्लादेश खादी और, और मुजीब एक्चुअली क्या है कि एक जैकेट बनाया गया मुझेव, जो है रहमान साहब पहनते थे ठीक है ना और ये खादी का बना हुआ है ठीक है ना इसका मतलब क्या है कि अभी इंडिया ने अपने यहां से खादी का जैकेट्स बनाकर वहां भेजा है इसका मतलब प्रमोशन की बात हो रही है बायलैटरल की बात हो रही है इंडिया बांग्लादेश के बीच में बात हो रही है गवर्नमेंट के बीच में बात हो रही है तो खादी मुजीब जैकेट क्या है इसके बारे में भी आपकी जानकारी होनी चाहिए चूंकि देखने से ही थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है थोड़ा सा ये कैची लगता है है ठीक ना तो ये सवाल आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री दैट इज कॉल्ड के ठीक है ना जो आपका खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है हाथ है

अफसर क्या होगा तो अभी जो है ये काफी दिनों का जाएंगे तो कमरेट है ना बोर्डो जो है ना यानी कि मुजीब की जो बोर्डो है यानी कि याद है है वर्ष याद मुजीब वर्षों की याद में पहली विदेश यात्रा उनकी होने वाली है कहां पर में तो ये बांग्लादेश होने वाली है मुजीब जैकेट इज फेमड सिग्नेचर गारमेंट तो आप ये समझ पा रहे हैं सिग्नेचर गारमेंट है ये मुजीब जैकेट इसका मतलब सिम्बॉलिक है द बांग्लादेशी शेख मुजर रहमान साहब ठीक है ना तो ये जो बंग बंधु थे जिन्होंने वहां बांग्लादेश का जो है स्वतंत्रता आंदोलन करवाया और यहाँ पे बंग बंधु के कारण ही वहां की जो बांग्लादेश है उसका उदय हो पाया तो ये बंग बंधु जो शेख मुजिबुर रहमान है उनको याद करने के लिए मुजिब जाकर को पहना गया हु इज कॉल्ड बांग्लादेश फादर ऑफ द नेशन जैसे इंडिया में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोला जाता है उसी तरीके से बांग्लादेश में जो है शेख मुजिबुर रहमान साहब को वहां का फादर बोला जाता है राष्ट्रपिता बोला जाता है बांग्लादेश सेलिब्रेट्स सेलिब्रेट मुजीबो द बर्थ सेनेटरी ऑफ शेख मुजिबुर रहमान साहब जो मुजीब वर्षो है ना बर्थ का मतलब ईयर है मुजीब का बर्थ इसका मतलब पूरा जो सौ साल हुआ है उनके जन्म का बर्थ सेंटनरी जो सौ साल उनके जन्म के शेख रहमान साहब के उनको मनाया जा रहा है किस नाम से मुजीब बरसो इंदिरा गांधी कल्चर सेंटर ऑफ द इंडियन हाई कमीशन इन ढाका हार्ड प्लेस एन ऑर्डर ऑफ हंड्रेड विजिट ठीक है ना सो हंड्रेड मुजीब जाकेट यहां पर रखा गया अहेड ऑफ द विजिट ठीक है ना हमारे वहां के इसके द्वारा किया गया है

तो ये जयपुर में कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट के एन एच पी आई दैट इज इन जयपुर राइट मैम अब बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा बांग्लादेश के बारे में बात करना भी जरूरी है जब समय हो रहमान साहब के वर्ष का उनके सौ शताब्दी का देन हमें क्या करना होगा इनके बारे में भी थोड़ी सी बात करनी होगी तो बांग्लादेश बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन इन नाइनटीन सेवेंटी वन एंड इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज इट एज एन इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट स्टेट ठीक है ना So बांग्लादेश जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र बना 1971 में, an an में बांग्लादेश का उदय हुआ बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ क्योंकि बांग्लादेश स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि आप जानते हैं कि जब पाकिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान के दो हिस्से थे एक ईस्ट पाकिस्तान दूसरा वेस्ट पाकिस्तान और बीच में उनके पास जोग्राफिकल डिस्कंटिन्यूटी थी यानी कि असलग्नता थी तो जो बांग्लादेश है बांग्लादेश में क्या हुआ कि जो है आंदोलन शुरू हुआ आजादी का और आजादी का जो आंदोलन शुरू हुआ था उसको रहमान साहब इसको लीड कर रहे थे ठीक है और इसके बाद ही देखेंगे 1971 में एक आंदोलन के बाद आप देखेंगे कि बांग्लादेश का उदय हो गया जैसे बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करी तो भारत पहला देश था जिसने बांग्लादेश की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान करी ठीक है ना सो इंडिया वॉज द फर्स्ट

तो आज के संबंध नहीं है ये इसके जन्म के साथ से संबंध हमारे बहुत मजबूत है इनफैक्ट स्वतंत्रता आंदोलन में भी जो हुआ बांग्लादेश का जो रिलेशन चल रहा था उसमें भी इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ठीक है तो इतनी सारी बातें हैं जिसको कि आपको यहां पर हाईलाइट करना होगा जब भी आप इंडिया बांग्लादेश के बारे में बात करें तो जो रहमान साहब के जो प्रयास हैं और उस समय जो भारत के द्वारा जो उन्हें सपोर्ट किया गया उसको आप इंकार नहीं कर सकते इसका मतलब जो है वो भारत और बांग्लादेश के संबंध काफी मजबूत रहे हुए हैं दे आर वेरियस आस्पेक्ट आर आइडेंटिफाइड इन सस्टेनिंग ट्रेशन बिटवीन द इंडिया एंड द बांग्लादेश दट इज द टू नेशन हमारे पास बहुत सारी चीजें जो हमारे संबंध को आपसी संबंध को क्या कहते हैं मजबूत बनाते हैं देखेंगे फैक्टर क्या क्या है <coughs> तो क्या क्या फैक्टर्स है पहला क्या है कि इंडिया का जो सबसे लंबा लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है तो आप देखेंगे भारत के आसपास पाकिस्तान भी है चाइना भी है नेपाल भी है भूटान भी है सर संतम म्यांमार भी है बांग्लादेश भी, भी है है तो आप देखें इन सभी में सबसे जो लंबी जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर होती है इंडिया की वो होती है बांग्लादेश के साथ सो लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश चलता है और ये जो है इंग्लैंड और बांग्लादेश का जो आपके पास जो बॉर्डर है इट इज मोर देन फोर थाउजेंड किलोमीटर यानी कि चार हजार नौ सौ चार हजार छियानवे सात किलोमीटर का ये इंटरनेशनल बॉर्डर है जो हम किसके साथ साझा करते हैं हम बांग्लादेश के साथ साझा करते हैं जो कि सबसे बड़ा आ, आ, पॉइंट है ठीक है ना कल्चरल सेक्टर में अगर हम लोग बात करें तो हम देखेंगे क्या कि इंडिया ऑर्गेनाइज ये जो मुजीब मुजीब है बरसो, ये ऑर्गेनाइज करने का काम कर रहा है इंडिया इंडिया ऑर्गेनाइज दिस इवेंट ठीक है ना कल्चरल एस्पेक्ट में जस्ट टू द बर्थ सेनेटरी ऑफ बांग्लादेश फाउंडिंग फादर शेख मुजीबुर रहमान साहब ठीक है ना तो ये इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहा है ना कि भारत ये बांग्लादेश ऑर्गेनाइज कर रहा है ठीक है

उसके लिखेंगे हम लोग बात करें तो जो माइग्रेंट्स वर्क है लोग माइग्रेंट आप जानते हैं कि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग इंडिया में आ जाते हैं तो जो माइग्रेंट्स हैं उनके प्रोटेक्शन को लेकर के माइग्रेंट्स राइट्स के प्रोटेक्शन को लेकर के भी हमारे यहाँ देखेंगे कि बेहतर संबंध है इंडिया बांग्लादेश को यानी कि ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको जहां पर में या दोनों के अपने कॉमन इंटरेस्ट और कॉमन अंडरस्टैंडिंग है इंटरेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग दोनों की बात कर रहा हूं यानी कि सामान्य हित है और सामान्य समझ भी है बोथ द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स लाइक सार्क एंड

कि वो जो है आपके पास इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है दो का इसके चेयरमैन कौन है तो इसका अब दोनों के बीच में कुछ टेंशन के कारण भी है पहला तो इसमें इंसर्जेंसी इंसर्जेंसी देखेंगे द फ्लो ऑफ माइग्रेंट अक्रॉस माइग्रेंट्स अक्रॉस द बांग्लादेश बाउंडर बाउंड्री ड्यू टू अनस्टेबल कंडीशन इन बांग्लादेश ठीक है ना

अब भाई एक्सप्लेन द रोल ऑफ खादी मुजीब जैकेट्स इन स्ट्रेंथनिंग इंडो बांग्लादेश रिलेशन ऐसे सवाल पूछेगा नहीं लेकिन ये मैंने आपको जानबूझ के डाला है ताकि आप ये समझें कि व्हाट इज द हाउ वी कैन स्ट्रेंड इन इंडो बांग्लादेश रिलेशन उसमें एक प्रयास है ये खादी मुजीब जो जैकेट है इज कल्चरल ऑफ दैट ये बस ये एक यूनिटी शो करता है ये ये बताता है कि इंडिया ने सॉलिडरिटी अपनी दिखाई है इंडिया ने अपनी फ्रेटर्निटी शो करी है इंडिया ने उतना ही इसमें भागीदारी किया है जितना कि बांग्लादेश जो है मुजीब बरसों को याद करने में किया जा रहा है सो दैट इज विद द बांग्लादेश ठीक है ना उनके साथ हम लोग ये एक साथ खरे ये एक तरीका है लेकिन ये क्या है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंडो बांग्लादेश रिलेशन तो आपने देखा होगा कैसे करेंगे तो दो टेंशन के इलाके आपने देखे आपने देखा क्या इंसर्जेंसी बहुत बड़ा इशू है दूसरा आपके यहां जो है वाटर डिस्प्यूट है तिस्टा वाटर डिस्प्यूट को लेकर के तो इन सारे चीजों के बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा साथ ही साथ इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन को जब भी आप याद रखेंगे तो इसके मल्टी डायमेंशन को भी आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है चलिए थर्ड है फ्रीडम एपल कैंपेन ये आज इसके बारे में हम लोग बात करते हैं वट इज द फ्रीडम पाइन कैंपेन क्या है लेटेस्ट चाइना और ताइवान के बीच में फिर से अभी क्लाशेस हुए हैं और इसके लिए शुरू किया गया प्रोग्राम को दैट इज कॉल फ्रीडम पाइन कैंपेन फ्रीडम पाइनएपल कैंपेन को शुरू किया गया ठीक है सो सर मैम्स इज कॉल्ड योर फ्रीडम पाइन कैंपेन ठीक है ये सीधा सवाल आपसे पूछ सकता है कि फ्रीडम पाइन कैंपेन क्या यह बहुत महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि इसमें कुछ अंदाजा ही नहीं लगा सकते आप कि फ्रीडम पाइन एपल कैंपेन है क्या अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है देन यू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये फ्रीडम जो कैंपेन है है वो एग्जैक्टली exactly क्या क्या जुड़ा हुआ है क्योंकि आप गेस कर ही नहीं सकते यू कैनॉट डू अगेस्ट तो ये क्या है ये चाइना चाइना ताइवान जो क्लास अभी शुरू हुआ है उसको लेकर के ताइवान के अंतर्गत एक नया कैंपेन शुरू गया है हुआ है अगेंस्ट चाइना दैट इज कॉल्ड फ्रीडम पाइन एपल कैंपेन तो ये याद रखिएगा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये किसी भी एग्जामिनेशन में

तो आप देखेंगे चाइना चाइना की तो आप जानते हैं कि फितरत क्या होती है चाइना की फितरत यही होती है कि, कि किसी भी कंट्री को क्या करो भाई कि जो आपके पास फ्लो हो रहा है जो फ्लो हो रहा है ठीक है ना मान लेते हैं कि आपके पास चाहे वो वाटर का फ्लो हो रहा हो चाहे आपके पास इकोनॉमी का फ्लो हो रहा हो ये चाइना हमेशा ऐसी पॉलिसी लेकर के आता है जो चाइना पॉलिसी जिसकी वजह से आपके पास फ्लो को रोक दिया जाए फ्लो को डिस्टर्ब कर दिया जाए ताकि आप जो है वो परेशान हो और परेशान होकर के आप क्या करें यहां पर चाइना के पास जाकर तो के घुटने ठीक ठीक है है दिस इज द ऑब्जेक्टिव तो चाइना की हमेशा पॉलिसी रही कि आपको किसी भी प्रकार से दबाव डाला जा सके चाहे आपकी आर्थिक गतिविधि को रोक दिया जाए चाहे जैसे कि अभी वो उसकी कोशिश हो रही है भारत को लेकर के ब्रह्मपुत्रा नदी के अपने डैम को बनाना तो नॉर्थ ईस्ट में हमारे वाटर क्राइसिस को क्रिएट करना उसका एक ऑब्जेक्टिव है उसका एक उद्देश्य यह है कि जो है नॉर्थ ईस्ट में हम क्या करेंगे पानी के क्राइसिस को जनरेट करेंगे जिसकी वजह से हम पूरे नॉर्थ ईस्ट में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे ठीक है भारत को नॉर्थ ईस्ट को अलग करवाने की कोशिश करेंगे और इंडिया आप चाइना जा, आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों पे वो अपना क्लेम भी करता है अपनी सॉबिटी क्लेम करता है तो उसका ये प्रयास होता है कि, कि किसी भी तरीके से आपका जो अपना जो कंड है उसको स्टॉप किया जा सके ठीक है ना और दूसरी तरफ वो क्या किया जा सके ऐसा सिचुएशन क्रिएट करे कि आप उठ करके चाइना के पास जाए ठीक है ना और उनके शरण में जाके बात करें कि साहब मुझे बजाओ कुछ करो ऐसे हमारे लिए कुछ समस्या का समाधान करो तो दिस इज द चाइनीज पॉलिसी जो आजकल चल रही है ठीक है ना तो ऐसे ही चाइना ने किया ताइवान के साथ ताइवान को भी उसने परेशान करने की कोशिश करी कि भैया जो आपके पास जो बैन लगा दिया गया था जिसकी वजह से ताइवान को बड़ा नुकसान हुआ ठीक है ना <coughs> तो अब देखेंगे इससे मिट आउट करने के लिए चाइनीज बैन को इससे मिट आउट करने के लिए ये इसने किया कि पाइन एपल का शेयर करना शुरू कर दिया देखें अकॉर्डिंग टू बीबीसी रिपोर्ट कैंपेन हेल्प ताइवान रिसीव ऑर्डर ऑफ फाइव थाउजेंड टन ऑफ फ्रूट फ्रॉम जापान अब क्या हुआ कि जो अब फ्रीडम फाइन जो कैंपेन है, वो क्या है कि जो लॉस हो रहा था पांच हजार टन का आदेश दे दिया ऑर्डर दे दिया कि भैया हमारे यहां भेजो चाइना नहीं ले रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लेने को तैयार है और अब जानते हैं ना कि अभी क्वाड भी बना उस क्वाड में भारत ऑस्ट्रेलिया यूएस और जापान भी शामिल है तो एक जो कंट्री है जापान उसने तुरंत कर दिया कि जो नुकसान ताइवान को हो रहा था चाइना की पॉलिसी की वजह से उसको, उसको हटाने के लिए जापान ने पांच हजार एग्रीकल्चर जो, जो है so कुछ है नहीं लेकिन भैया ठीक है तो जापान ने कहा कि चिंता मतलब चाइना नहीं जा रहा नहीं जा रहा कोई बात नहीं है, हम है ना तुम हमारे यहां भेजो ठीक है सो दिस इज कॉल्ड वॉर दैट इज कॉल्ड फ्रीडम पाइनएपल कैंपेन अब बात समझ में आई लिंक है आपको याद रखना जितने भी स्टेक प्लेयर्स हैं

Since then, an, an angry Taiwan Taiwan, has has refuted China's claim of paste being found in imported pineapples and has gone on on that the move is aimed at increasing political pressure on Taiwan, which China considers its own मतलब है कि उद्देश्य यही है बहाना उसने ढूंढा कि भाई यहाँ पर आपके यहाँ पेस्ट वेस्ट आएंगे आपके यहाँ का जो पाइनएपल खाना सेफ नहीं है हमारे एग्रीकल्चर के लिए ठीक नहीं है हम बैन कर रहे हैं एक मार्च को कारण क्या था बस उद्देश्य क्या एम डाट एम क्या है इंक्रीजिंग पॉलिटिकल प्रेशर इसके ऊपर में ऑन ताइवान जैसे चाइना कंसीडर इट्स ओन प्रोविंस जिसे चाइना अपना प्रांत मानता है किसे ताइवान को चाइना कंसीडर्स इट्स ओन पॉलिटिकल प्रेशर दैट क्रिएट ओवर ताइवान ठीक है सभी लोग समझ गए ठीक है आ जाइए क्रिटिक्स क्या कहते हैं ब्लेम चाइना फॉर वेपनाइजिंग इट्स इकोनॉमिक To bully democratic nation that refused to toe its line citing the previous example of trade war with australia in which china imposed tariffs on australian wine and beef imports after the latter asked for an inquiry into the origin of coronavirus pandemic ठीक है ना तो आप देखेंगे कि चाइना का ही वेपनाइजिंग द its economic heft, ये उसका है इसी तरीके से अभी इस तरीके से ताइवान को उसने परेशान करने की कोशिश करी इस तरह ऑस्ट्रेलिया को भी उसने करने की कोशिश करी थी ऑस्ट्रेलिया से दरअसल क्या हो रहा था कि बहुत ज्यादा यहां से वाइन

अब आइए देखते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में आप बात कर सकते हैं इसे कि व्हाट इज फ्रीडम पाइन कैंपेन हाउ इट रिफ्लेक्ट्स चाइना ताइवान रिटेंशन को ठीक है ना सो फ्रीडम पाइनएपल कैंपेन क्या है इसके बारे में आपको बताना वट इज दिस फ्रीडम एपल कैंपेन ठीक है राइट राइट्स right? भी हो गया मीन भी हो गया एंड हाउ इट रिफ्लेक्ट्स चाइना ताइवान रिलेशन को या टेंशन को ठीक है चलिए अब आज दूसरा एक प्रश्न है उससे पहले क्वेश्चन आपके पास है इसमें देखिए हु इज सुटर सिंगराज ठीक है ना स्पोर्ट्स में इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया सिंगराज विंस गोल्ड इन पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं तो इसके बारे भी में भी हमें बात करना पड़ेगा ठीक है ना सो देखिए इंडिया सिंगराज विंस गोल्ड इन पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इंडियन पैरा एथलीट सिंगराज वोन द गोल्ड मेडल इन टू थाउजेंड ट्वेंटी

तो इन्हें जो है उजबेकिस्तान के जो सर्वर है इब्रा गिमोव इनको डिफीट करके उन्होंने क्या किया यह खिताब जीता है पैरा एथलीट सिंगराज वन कर रहे हैं ठीक है थीके? अब आज सिंगराज रियो टू थाउंडिस्ट इब्रा गिमोव बाई अ थीन मार्जिन ऑफ टू पॉइंट एट पॉइंट स्कोर ठीक है सो इतनी बातें बस याद रखने इसमें और ज्यादा कुछ करना नहीं है अब आज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे पास ये है हमारे पास आनंद पाल द्वितीय ठीक है ना दिल्लीपति महाराजा तोमर अब इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं ठीक है ना द गवर्नमेंट रिसेंटली फ्रेम फॉर्मिटी टू पॉपुलराइज सेंचुरी तोमर किंग अनंगपाल अनंगपाल द्वितीय के बारे में अभी जो है इनको popularize करने के लिए एक छोटा सा प्रयास सरकार शुरू कर रही है कि सरकार ने एक जो है so की बात सेंचुरी तोमर किंग अनंगपाल अब देखिए कई चीजें आगे ये तोमर शासक हैं अनंगपाल इलेवेंथ सेंचुरी के हैं ठीक है ना और इसके बारे में तो आप जानते हैं अनंक पाल तोमर ने दिल्ली नगर को बसाया था यह भी आप लोगों को मालूम होगा ठीक है ना अब भाई अनंक पाल सेकंड के बारे में हम लोग बात करें तो ये क्या है कि पॉपुलरली नोन एज अनंक पाल तोमर जो सेकंड है ये याद रखिए वर्ल्ड टू का भी बहुत बड़ा चक्कर होता है स्टेट पी में और यूपीएससी के एग्जामिनेशन में कि जो अनक पाल तोमर है यह पूछ लेगा कि किसने बनाया ठीक है ना तो आप ये याद रखिए अनंक पाल तोमर जो बच्चू अनंक पाल है ये तोमर डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं ठीक है ना एंड रूल पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे डे एंड हरियाणा बिटवीन द एंड सेंचुरी ठीक है ना और इस समय दिल्ली और हरियाणा के बीच का जो क्षेत्र था उसमें आठवीं बारहवीं शताब्दी के बीच में इनका शासन चलता था यानी कि तोमरों का शासन चलता था अनंकपाल के बारे में ये बोला गया कि इन्होंने दिल्ली शहर की स्थापना करी अनंगपाल द्वितीय ने ये याद रखिएगा ठीक है ना दिल्ली शहर को बसाया ये अक्सर सवाल पूछा था दिल्ली को किसने बसाया अब ऑप्शन में डाल दे के आपने रट के गया कि अनंगपाल अनंगपाल ने दिल्ली को बसाया ढिलिका उसको बोलते थे ढिलिका ठीक है ना दिल्ली को बसाया अब दे दे ऑप्शन में अनंकपाल प्रथम अनंक पाल, पाल द्वितीय तो आपकी हवा टाइट हो जाएगी कि भाई वन था या टू था तो ये याद रखना है कि अनंक पाल तोमर जो पॉपुलरली जिसको हम जानते हैं जिन्होंने दिल्ली शहर को पॉपुलेट किया किया आबादी बसवाई ये कौन है ये द्वितीय है है दिस इज कॉल्ड सेकंड ठीक ना तो इन्होंने क्या किया दिल्ली शहर को स्थापित किया इसे पॉपुलेट किया दिल्ली को ड्यूरिंग हिज रेन इन द इलेवन सेंचुरी यानी कि ग्यारहवीं शताब्दी में जो वर्तमान दिल्ली आप देख रहे हैं जो दिल्ली देख रहे हैं इसको बसाने का श्रेय अनंकपाल द्वितीय को जाता है

होनी तो ही चाहिए ठीक है ना और ये जानते हैं कि आज के देश में समय में ठीक है यह आपने देख लिया सर सो अनंगपाल तोमर वॉज सक्सेडेड बाई हिज ग्रांडसन पृथ्वीराज चौहान ठीक है ना और यही अनंगपाल तोमर के पात्र हैं पृथ्वीराज चौहान

इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया और इस वाले में दूसरे वाले में पृथ्वीराज चौहान खुद हार गए किससे मोहम्मद गोरी से और जब मोहम्मद गोरी से हारेंगे तभी जाकर आप देखेंगे कि पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना यहाँ हो जाएगी ठीक है हमारी बात सभी लोग समझ गए सो so, दिल्ली का कहानी समझ में आया थोड़ा थोड़ा कहानी समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ी कहानी आपको यह समझ में जरूर आई होगी सो महाराजा जो है अनंत पाल द्वितीय मेमोरियल कमेटी में जो है इसको हेड करेंगे बीजेपी के एमपी हैं फ्रॉम यूपी गोंडा ब्रजभूषण सिंह ठीक है ना सो इज टू स्टापिस अनंकपाल टू एज फाउंडर ऑफ द दिल्ली अब ये ब्रिज सिंह इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे और ये कमेटी का काम क्या है इस बात को स्थापित कर देना कि अनंगपाल द्वितीय ने ही दिल्ली की स्थापना करी इट्स प्रपोजल इंक्लूड बिल्डिंग स्टैच्यू ऑफ अनंगपाल टू एट दिल्ली एयरपोर्ट एंड बिल्डिंग म्यूजियम डेडिकेटेड टू लेगेसी इन दिल्ली इट प्रपोजल टू मेक लाल कोर्ट ऑन एस आई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट और जो लाल कोट है जिसे अनंगपाल द्वितीय ने बनवाया था इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में डेवलप करना है ठीक है तो इतनी बातें सारी की जा रही है तोमर वाई डिड द रिसेंट गवर्नमेंट फॉर्म महाराजा अनंकपाल द्वितीय मेमोरियल सब आप दिमाग में सोचेंगे ठीक है है? ना? आप क्या तोमर और इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में आपको ध्यान में रखना है ताकि आपके कमेटी जोर रहे कि दिमाग में कमेटी क्यों बनाया गया था ना? तो इस पर्सनलिटी के बारे में इस कमेटी का भी बहुत ज्यादा वजूद नहीं है इसका बहुत ज्यादा मतलब नहीं है लेकिन आपके दिमाग में ये स्ट्राइक करवाना मेरा उद्देश्य है कि अनंत पाल तोमर है कौन हु इज दिस अनंत पाल है मेरी बात समझ लोग समझ पा रहे हैं इनके द्वारा काम क्या किया गया है कौन कौन सी चीजें बनाई गई है दो ही तीन पॉइंट है बट दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू ठीक है तो चलिए इतनी बातें हो गई इसके साथ ही आपका करंट अफेयर्स का काम खत्म हो गया कि अब आपके पास जो है सो इतनी सारी चीजें हो गई अब आप इसको देख सकते हैं मैं बताना चाहूंगा कि अभी आपको जल्दी ही मेरा इंटरनेशनल लाइसेंस का पूरा का पूरा कोर्स अभी आ रहा है गवर्नेंस में पता नहीं क्यों थोड़ा सा डिले हो गया ठीक है वो नहीं हो पा रहा है वो लाइव नहीं हो पा रहा है तो इंटरनेशनल रिलेशन में अभी मैं बात करूंगा आपके साथ इंडिया की पूरी फॉरन पॉलिसी क्या होने की पूरा का पूरा डायमेंशन क्या इतिहास था क्या वर्तमान है क्या भविष्य होने वाला है देन इंडियन डायस्पोरा के ऊपर बात करेंगे अनबायोलैट्रलेशन में कम से कम नौ कंट्री जो नेबरहुड के हमारे पास है उनके साथ के संबंधों को भी हम लोग परिभाषित करेंगे सो दिस कोर एरिया जो फोकस एरिया जहाँ पर हम अभी बात करने वाले हैं प्लस का कोर्स आपके पास है इसके अलावा मैं आपके लिए अभी गवर्नेंस भी, भी लेके आऊंगा पता नहीं टेक्निकल कारण से गवर्नेंस नहीं आ पा रहा तो मुझे लगा कि लगाईआर कर दूं एटलीस्ट तो आई आर अभी आपका आ रहा है फिर फिर गवर्नेंस आएगा आर्ट एंड कल्चर पूरा का पूरा आएगा तो जो लोग भी मेरे साथ जुड़ के पढ़ाई करना चाहते हैं पवन का कोड अप्लाई करके आ सकते हैं दिस इज माई कोड ये याद आपको रखना है दिस इज कोड सो कहीं भी लेंगे पवन का कोड अप्लाई करें अपलाई करेंट टेन परसेंट ऑफ डिस्काउंट मैं कहूंगा जिनको भी दो हजार तेईस में पेपर देना है बाईस में देना इज द राइट टाइम टू स्टार्ट ठीक है ना राइट टाइम टू स्टार्ट आप कॉलेज में हो सकते हैं आप कहीं वर्किंग हो सकते हैं लेकिन आप अपनी थोड़ी, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई को जारी रखिए ठीक है ना थोड़ी थोड़ी पढ़ाई को जारी रखते चल रहे हैं अगर आप तीन साल का कोर्स ले रहे हैं दो के लिए कर देना है बाईस के लिए अगर देना है तो आपको समय है कि आप धीरे धीरे क्या करें मैक्सिमम लोगों का क्या होता है ना कि आप देखें सब्जेक्ट ऐसे हैं जो ह्यूमैनिटी के होते हैं जो यूपीएससी करते हैं ठीक है ना देखिए मैक्सम लोगों का तो आप साथ साथ अपनी पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन को भी कर सकते हैं और इधर आप यूपीएससी की तैयारी में भी धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं सो डोंट वेट फॉर एनीथिंग ठीक है ना दो हजार इक्कीस हो बाइस हो तेईस के एग्जामिनेशन को आपको तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए और मैं कहूंगा कि पूरे का पूरा बैच ना पढ़ें बल्कि आप दो तीन चीजें लें कि आप जीएस और आप क्या कहते हैं वो ऑप्शन दोनों साथ साथ लगे तो आप एक ऑप्शन को पढ़ना शुरू करेंगे ऑप्शन में टाइम लगना है ठीक है ना और दूसरा दो सब्जेक्ट जीएस को पढ़ें ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ठीक है ना नहीं पढ़ने की आवश्यकता है कि इससे ज्यादा आप मैनेज नहीं कर पाएंगे आप ऐसे पूरा टाइम भी देते हैं आपको लगे मैं सब कुछ पढ़ लूंगा पूरा का पूरा लेकिन होता नहीं है आप सुपर नेचुरल मैन के तरीके से या वुमन के तरीके से काम नहीं करना है आपको काम करना है जो कि आपकी ह्यूमन पॉसिबिलिटी है जो फिजिबिलिटी है जितना आप काम कर सकते हैं उसी को रिकोगनाइज करना पड़ेगा और उसी को ईमानदारी के साथ करना पड़ेगा सो so आप क्या करें मैं कहूंगा कि कम से कम अगर जो कॉलेज वाले जा रहे हैं एक जीएस एक ऑप्शनल पढ़िए बाकी जो लोग हैं वो दो सब्जेक्ट और एक जीएस पढ़िए और आराम आराम से पढ़ते चले कई रिवीजन बैचेस आएंगे रिवीजन के बैचेस कीजिए मॉक इंटरव्यूज मॉक टेस्ट होंगे उसको आप क्लियर कीजिए अपने आप को हमेशा असिस्ट करते रहिए और हमेशा जुड़े रहिए अपने टीचर से अपने मेंटोर से अपने गाइड से जुड़ने की कोशिश कीजिए देखिए उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कैसे बताने की कोशिश करें क्योंकि बिना टीचर के ना बिना टीचर के गाइडेंस के ठीक है गाइडेंस देने के लिए बहुत सारे लोग हो सकते हैं लॉट्स ऑफ पीपल बट जो टीचर का गाइडेंस होता है जो जो आपको टीच करते हैं इनसाइट अगर जो आता है ना दैट दैट विल रियली वर्क फॉर यू इज वेरी इंपॉर्टेंट वन ठीक है सो आप इसको लेकर चल सकते हैं कई बैचेस आपके शुरू किए गए कई बैचेस है वन ईयर बैचेस है वन ईयर बैचेस है टू ईयर बैचेस है हिंदी इंग्लिश बायलिंगुअल सारे बैचेस आपको देखने को मिल रहे हैं लॉट्स ऑफ बैचेस जो कि आपको शुरू किया गया आप ले सकते हैं आप मॉड्यूल में पढ़िए मैं तो कहूंगा बैचेस को पढ़ते हैं ठीक है थीके? नहीं पढ़ पाते हैं तो आप मॉड्यूल में पढ़ें ज्यादा बेहतर है इसी बैच के दो सब्जेक्ट को उठा कर पढ़ लीजिए ठीक है आराम से पढ़िए फिर जब दूसरा बैच शुरू होगा उसमें पढ़ेंगे लेकिन हमें पढ़ना जरूरी है ठीक है ना बैच पढ़िए मॉड्यूल पढ़िए जैसे भी पढ़ना आप पढ़िए दट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू बस पढ़ना जरूरी आपके लिए सो पावर टेन का कोड अप्लाई करें आप आइकॉनिक भी ले सकते हैं आप प्लस भी ले सकते हैं दोनों का दोनों आप ले सकते हैं राइट सर ये प्लस के बेनिफिट्स हैं या आइकॉनिक के बेनिफिट्स हैं आप ये देख पा रहे होंगे ठीक है ना ये हमारे पास ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन है आप इसको देख लीजिए फ्टर टेन परसेंट डिस्काउंट के बाद आपकी ये फीस आएगी पावन टेन का कोड अप्लाई कर लें लेकिन मैं कहूंगा हमेशा कॉम्बो का प्लान लें जहां जीएस भी जाए और आप ऑप्शन भी जाए जीएस और ऑप्शन दोनों का दोनों आप ले लें ठीक है ना सो so, विलंब मत भी जितना विलंब करेंगे जितना विचार करेंगे चीजें उतनी दूर चली जाती है सो so, आपको ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए अपने काम को रहना चाहिए कंटिन्यू करते रहना चाहिए ठीक है सो आपने देख लिया ठीक है चलिए सर सर में आपसे ये टेस्ट सीरीज वगैरह है ये सारी चीजें हो रही है

छोटा छोटा कोर्स लेकर के आऊंगा ताकि आपके पास छोटे छोटे तरीके से आपको पढ़ाता चलो ठीक है ना मैं चाहता हूं कि एक से दो सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए और मैं थोड़ा चीजें आपको पढ़ने अब मैं चाहता हूं क्या कि मैं अभी तक अपना पूरा प्रयास कर रहा था मैं कि मैं ही आपको सब कुछ दे दूं लेकिन नहीं मुझे लगता है कि नहीं आपको ऐसे आप हांडे के आजेंगे तो मेरा यह प्रयास होने वाला है कि मैं आपको पढ़ाने पढ़ने के लिए प्रेरित करूं मैं उतना बताऊं जिसके अंदर आपको पढ़ने की ललक जगी रहे क्योंकि आप पढ़िए देखिए यूपीएससी का एग्जामिनेशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन और यहां पर मैं आपके इस राइटिंग का होना बहुत जरूरी है आपकी समझ होनी जरूरी है क्योंकि आप जितना अच्छा लिखेंगे भाषा की आपकी पकड़ होगी उतना अच्छे आपके मार्क्स मिलेंगे और इसके लिए पढ़ना भी जरूरी है मैं ये कहता हूँ कि जो मैं पढ़ाऊंगा आएगा वहीं से ठीक है ये बात भी तय है लेकिन मैं चाहता हूँ क्या कि आप जिस किताबों को खुद से पढ़ेंगे जब समझेंगे तो इससे क्या होगा ना कि आपकी लेखन शक्ति बढ़ेगी जो राइटिंग स्किल है वो बढ़ेगा और अगर आप किताबों को पढ़ते हैं लिखते हैं तो जब इंटरव्यू में आप बैठेंगे तो बोलने की कला भी आपके अंदर आएगी नए नए शब्द आपके पास आएंगे सोचने का तरीका आपके पास आएगा ऐसे आप मुझे केवल कॉपी करते चले जाएंगे तो इसलिए मैंने ये अभियान अब शुरू किया है मुझे लग रहा था कि सब कुछ मैं ही कर दूं आपके लिए तो मुझे लगता है कि नहीं आपको इतना करके दूं जिससे कि आप खुद के अंदर थोड़ी सी लग रहे कि आप भी खुद करते रहे कुछ कुछ करते रहे और ये अल्टीमेटली आपके इंटरेस्ट में अदरवाइज मैंने देखा कि जिनको मैंने हंड्रेड परसेंट सपोर्ट करना शुरू कर दिया वो पूरी तरह हांडी कैप के बैठ गए कि नहीं सर जो करवाएंगे सर के पीडीएफ पे मैंने पीडीएफ भी देना बंद कर दिया मुझे लगा कि नहीं जिनको रहना है इस क्लास के सेशन में वो रहें अटेंड करें रहें क्लास को समझें इंपॉर्टेंट समझें पेन और पेपर लेके बैठिए क्योंकि इसका महत्व तो तभी है कि आज मैं यहाँ बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ आप पेन और पेपर लेकर बैठिए अगर मैं ईमानदार प्रयास कर रहा हूँ तो आप भी अपना ईमानदार प्रयास रहे अदरवाइज अच्छा आज नहीं हुआ कोई बात नहीं चलो मिस कर गया ऐसा वो आपको डर लगेगा कि मिस कर जो सीरियस है मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में बात करो कि नहीं सर की क्लास शुरू हो रही है भाई रहो कि सर मैंने पीडीएफ देना बंद कर देना तो पहले ये था पीडीएफ आ गया प्रिंट आउट लिया या कुछ कर लिया वो कई बार तो आप पढ़ भी नहीं पाते थे मुझे भी ऐसा मिला कई बार आप लोगों ने कहा कि मैं पढ़ भी नहीं पाता हूं और वो आपके पास ऐसे ही पढ़ा रह गया तो मेरा देना तो बेकार हो गया ना एक्स्ट्रा एफर्ट में क्यों करो तो इसलिए आप, आप क्लास में रहें मौजूद रहें पीडीएफ देने का काम यहां भी मैं बंद कर रहा हूं ठीक है ना सो so चलिए ये मेरा बस प्रयास है ताकि आप मैक्सिमम चीजों को बेहतर कर पाए है शाम के चार बजे मिलते हैं हम लोग हैं इंपॉर्टेंट क्लास है देखते हैं कि आज इंपॉर्टेंट क्लास आपको समझ पाते हैं या नहीं और मेरी क्लास जब भी हुआ करें तो मैं चाहूंगा कि आप लोग क्लास में रहें ठीक है ना क्लास में रहें उन्हीं को मैं अतिरिक्त मदद भी कर पाऊंगा ठीक है ना अगर क्लास में अगर आप नहीं रह पा रहे तो ये मेरे लिए बड़ा बुरी स्थिति है आपके लिए भी फिर वो फिर मेरे तरफ से पार्ट भी आप समझ रहे हैं कि मैं है। तो मैं चार बजे शाम को मिलते हैं फिर रात के नौ बजे बात करेंगे काफी दिनों के बाद बात करना है है ठीक ना सो अभी मैं बता रहा था गवर्नेंस और आई लेके आ रहा हूं तो पहले गवर्नेंस का इरादा था लेकिन अब पहले आई आ रहा है आप लोगों का आई आ जाएगा एक कल परसों में आपको ये लाइव दिख जाएगा क्लास ठीक है ना या आज ही हो सकता है शाम में दिख जाए लाइव ठीक है का कोड अप्लाई करके आप राइट सर मैम चलिए अब मैंने पीडीएफ का काम ही बंद कर दिया आपको पीडीएफ दूंगा ही नहीं करंट अफेयर्स का भी नहीं ठीक है बस आप रहिए मेरे साथ ये पॉलिटिक ग्रुक का चैनल है इस पर भी मैं हमेशा टाइम पे देता हूँ कि अरे भाई आ जाओ क्लास का टाइम अब मैं यहाँ भी ये भी बंद करूंगा ठीक है बस कुछ इंपॉर्टेंट न्यूजेज होंगी और जो कभी कभी मुझे लगेगा कुछ पीडियस शेयर करना इंपॉर्टेंट वो मैं शेयर कर दूंगा पॉलिटिक रूप के चैनल पर लोग आ जाइए टाइम टेबल आपको मिल जाया करेगा सारी चीजें मिल जाएंगी जो भी और आपको जो जरूरत की चीजें होंगी वो आपको मैं बताता रहूंगा ठीक है सर सो so, लेट्स सर, सर मिलते हैं फिर अगले क्लास में टिल देन बाय बाय और याद रखिएगा का कोड जैसे ही आपको सब्सक्रिप्शन किसी भी कैटेगरी में लेना है कुछ भी लेना है यूपीएससी के लिए जो भी लोग कर रहे हैं सीधे आराम से पवर डिन का कोड अप्लाई कर ठीक ना मैक्सिमम टेन परसेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा चलिए सर मिलते हैं फिर शाम के चार बजे टेलते देन बाय बाय टेक केयर एवरी वन ऑफ ऑफ एंड ब्लेसिंग्स एंजॉय योर डे